गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं जिसमें सुरक्षा और दूराइयों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूराई पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक, तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है और हम भी इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनकी अगुवाई में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसका मुकाबला किया है, वही उसी का परिणाम है कि हमने जी की परीक्षाएं सफलतम की हैं, हमने नीट की सफलतम परीक्षाएं की हैं, हमने जी एडवांस की सफलतम परीक्षाएं की हैं, बहुत सारी परीक्षाएं की हैं जिसमें लाखों लाखों छात्र छात्राएं एक समय में ही बैठे हैं और उन्होंने उन अनुशासन का पालन किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये परीक्षाएं भी हैं। अब फाइनल ईयर की भी परीक्षाएं अधिकांश जगह हो गई हैं, कुछ राज्यों में अभी शेष हैं, उसमें भी अभी होना है, बहुत कम 3-4-5 राज्य हैं ऐसे। तो मेरी छात्रों, छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों, मेरी आपसे भी अपील है कि अपनी सुरक्षा ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है, हमारा भविष्य भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन दोनों का कैसे बेहतर आप तालमेल करेंगे, मुझे भरोसा है कि अध्यापक, अभिभावक और संबंधित राज्यों की गवर्नमेंट ये इनमें बेहतर तरीके से, संस्थाओं और अभिभावकों, बच्चों और गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल होगा और परिस्थिति जैसी जैसी होंगी उन्हीं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से, शीर्ष प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा, इसको देखते हुए हम अपने स्कूलों को देखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में न तो बुलाया जाएगा, हाँ उनका पालन अभिभावक चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जाना है और स्कूल में भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल का प्रबंधन की है। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और इस ये जो संकट आया है इसका हम लोग अच्छे से मुकाबला करेंगे। मेरी आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।